राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में सुंदर नगरों, हवेलियों और किलों की भरमार है। जयपुर का अर्थ है जीत का नगर। जयपुर में आने के बाद पता चलता है कि आप रजवाड़े में प्रवेश कर गए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जयपुर में घूमने के लिए 10 सबसे बेहतरीन जगहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, चांद बावरी। चांद बावरी अमानेरी गांव में बना एक बहुत ही बेहतरीन पानी की बावली है। यहां तीन दिशाओं में सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो कुएं की तरफ जाती हैं। यहां पर 13 मंजिलों में 35,000 से ज्यादा सीढ़ियां हैं, जिनका डिजाइन आपको अचंभित कर देगा। इस बावली की बनावट की वजह से इसके कुंड का पानी गर्मियों में भी ठंडा रहता है। नंबर 9, जयगढ़ किला। जयगढ़ किला एक विराट किला है, जो जयपुर के चील का टीला पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इस किले को सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1726 में बनवाया था। इस किले के चौतरफा काफी हरियाली है, जो इस किले को और खूबसूरत बनाती है। इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप भी मौजूद है। नंबर 8, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। राम निवास गार्डन में स्थित अल्बर्ट हॉल म्यूजियम राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। यहाँ पर रात को पीली रोशनी की जाती है, जिससे इस इमारत की खूबसूरती पर चार चांद लग जाते हैं। इस म्यूजियम में पुरातन काल के सिक्के, मिट्टी के बर्तन, कारपेट, इजिप्शियन ममियां आदि भी मौजूद हैं, जो आपको पुराने जमाने की याद ताजा करवाती हैं। नंबर 7, बिरला मंदिर। जयपुर का ये मंदिर देश में स्थित कई बिरला मंदिरों में से एक है। ये मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये मोती डूंगरी पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर सफेद संगमरमर का बना हुआ है और ये प्राचीन वास्तुकला और आधुनिक बनावट का पूर्ण संगम है। इस मंदिर में जन्माष्टमी के आसपास काफी रौनक होती है। नंबर 6, जंतर मंतर। जयपुर के सिटी पैलेस के नजदीक स्थित जंतर मंतर दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की बनी खगोलीय वेधशाला है। इस वेधशाला में सिर्फ पत्थर और पीतल का इस्तेमाल करके ऐसा चतुर निर्माण किया गया है, इससे कि खगोलीय पिंडों की स्थिति जानी जा सकती है। यहाँ पर एक सूर्य घड़ी भी मौजूद है, जो सिर्फ परछाई के माध्यम से समय बताती है। नंबर 5, नाहरगढ़ किला। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया नाहरगढ़ किला एक जमाने में आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ मिलकर जयपुर की रक्षा में तैनात था। इस किले को शुरुआत में सुदर्शनगढ़ किले का नाम भी दिया गया था। नाहरगढ़ किले का एक मुख्य आकर्षण माधवेंद्र भवन है, जहां एक भव्य हाल है। इसकी दीवारों पर खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क, जिससे आपको वीडियो मिल सकेंगे हमारे सबसे पहले। नंबर 4, जयपुर के बाजार। जयपुर खरीदारी करने के लिए खासा जाना जाता है। यहाँ के बाजार औरतों में काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों और आभूषणों की अनगिनत दुकानें हैं। यहाँ की कढ़ाईकारी और हस्तशिल्प के देश विदेश में दीवाने हैं। जयपुर में जौहरी बाजार, किशनपोल बाजार, चंद्रपोल बाजार कुछ मुख्य बाजार हैं। नंबर 3, हवा महल। ये आलीशान महल जयपुर के बड़ी चौपर नामक चौराहे के पास स्थित है। ये जयपुर का एक लोकप्रिय भवन है, जिसे महाराज सवाई सिंह प्रताप ने 1799 में बनवाया था। इस महल में खूब सारी जाली नुमा खिड़कियाँ हैं, जिससे हवा अंदर आती है और गर्मियों में भी इस महल को ठंडा रखती है। नंबर 2, आमेर का किला। अरावली की पहाड़ी के ऊपर बना एक शानदार किला है। इस किले के पास ही मावथा झील है, जो इस किले की खूबसूरती में जड़े एक नक का काम करती है। भारत के इतिहास में काफी महत्व रखने वाले इस किले को देखने देश विदेश से रोज करीब 5,000 से भी ज्यादा पर्यटक आते हैं। इस किले के अंदर शीश महल भी है, जहां दीवारों पर किया गया कांच का काम आपको आश्चर्यचकित कर देगा। नंबर 1, सिटी पैलेस। जयपुर के बीचों बीच स्थित सिटी पैलेस
शहर के सबसे अच्छी टूरिस्ट जगहों में से एक है। इस महल का क्षेत्र इतना बड़ा था कि एक समय में जयपुर शहर के सातवें हिस्से के बराबर था। इस महल के अंदर मुबारक महल, चंद्र महल, गोविंद जी मंदिर, बगी खाना, महारानी महल जैसे देखने लायक जगह हैं। दोस्तों, अब आप जान गए हो जयपुर की 10 प्रमुख स्थानों के बारे में। तो आपके लिए एक प्रश्न है, आपको कमेंट के द्वारा बताना है कि हवा महल का नाम कैसे पड़ा, और इस प्रश्न का जवाब इसी वीडियो में छुपा है। सबसे अच्छे जवाब देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। दोस्तों, पता तो लगे आपको इस वीडियो में कितनी जानकारी मिली है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।